चुड़ैल रहा करती थी। पर चुड़ैल अपने जादू से जादुई खिलौने बनाती और बाजार में बेचने के लिए एक औरत का रूप धारण कर लेती, और जो भी बच्चा उस चुड़ैल के खिलौने ले लेता वह बच्चा रात को 12 बजे उठकर अपने घर के बाहर निकल जाता और चुड़ैल के पास उसकी गुफा में चला जाता। फिर वह चुड़ैल उस बच्चे का खून पी जाती और वह चुड़ैल अपना पेट रोज ऐसे ही बच्चों का खून पीकर मोटू पतलू से कहता है, पतलू तुम्हें पता है अपने गांव में एक आंटी जी आती है, वह बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बेचती है। फिर पतलू बोलता है, हाँ मोटू मैंने भी सुना है, आंटी का नाम गोली है, मुझे भी कल समोसे वाले भैया बता रहे थे यह गोली के खिलौने बहुत अच्छे अच्छे हैं। पतलू अपने लिए गोली आंटी के वहाँ से खिलौने लेकर आकर खेले क्या आज? हाँ यार मोटू आज संडे है, वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा, चलो चलते हैं खिलौने लेने। यह कहकर मोटू और पतलू दोनों खिलौने वाली के पास चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह दोनों खिलौने वाली के पास, वहाँ चुड़ैल अपने खिलौने बेच रही थी। आ जाओ बच्चों नए नए खिलौने लो, हेडपंप लो, ट्रैक्टर ट्रॉली लो, डॉक्टर के सामान लो, किचन सेट लो। इस तरह चुड़ैल अपने खिलौने बेच रही थी, तभी चुड़ैल को मोटू पतलू दिखते हैं, तो चुड़ैल बोलती है, क्या हुआ मोटू और पतलू तुम्हें क्या चाहिए? फिर मोटू बोलता है, गोली आंटी जी हमें नए नए खिलौने दे दो, आज संडे है, हम दोनों पूरे दिन भर खिलौने से खेलना चाहते हैं। हाँ हाँ मोटू पतलू लो ना तुम्हें जो चाहिए वह खिलौने ले लो, मैं यहाँ खिलौने बेचने ही तो आती हूँ। फिर मोटू पतलू वहाँ से खिलौने लेकर अपने घर आ जाते हैं और खिलौने से कुछ देर खेलने के बाद वह दोनों सो जाते हैं। फिर रात के ठीक जैसे ही 12 बजते हैं तो मोटू अपने आप वहाँ से उठकर अपने घर से बाहर चलते चुड़ैल की गुफा में चला जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह पतलू उठता है तो पतलू को मोटू घर में कहीं नहीं दिखता। पतलू घर के बाहर जाकर मोटू को ढूंढता है। पतलू कुछ देर एक बच्चे से पूछता है, अरे भाई टोनी, तूने मोटू को कहीं देखा था क्या? फिर टोनी बोलता है, नहीं पतलू भैया, मैंने मोटू को कहीं नहीं देखा। टोनी की यह बात सुनकर पतलू दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, तो टोनी बोलता है, पतलू भैया रुको, मुझे यह बताओ आपने गोली आंटी से खिलौने लिए थे क्या? हाँ टोनी भाई, हमने कल ही उस गोली आंटी से नए नए खिलौने लिए थे। अरे यार पतलू भैया, आपने यह क्या कर लिया? आपको पता है वो गोली आंटी नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो बच्चों को दिन में खिलौने देकर रात को वह अपने जादू से अपने पास बुला लेती है और बच्चों का खून की जाती है। पतलू जल्दी से चुड़ैल की गुफा की तरफ जाता है। फिर पतलू गुफा में छुप कर देखता है तो चुड़ैल सो रही थी और मोटू को उल्टा हवा में लटका रखी थी, तो पतलू वहाँ से आ जाता है और सीधा आता है और तांत्रिक को सारी बात बता देता है। तो पतलू की सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, पतलू बेटा तुम ऐसा करो, उस चुड़ैल से जो खिलौने लिए थे तुम उस एक खिलौने को आग में जला दो तो चुड़ैल अपने आप मर जाएगी, क्योंकि चुड़ैल की सारी जान उस खिलौने में है। तुम जैसे ही खिलौना चलाओगे उधर मोटो अपने आप सही होकर अपने घर आ जाएगा। फिर पतलू जल्दी से उस खिलौने को जला देता है। जैसे ही खिलौना जलता है वैसे ही वहाँ मोटू अपने आप सही हो